नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तवा चिकन। दोस्तों आप ये ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, एकदम टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे तवा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून तेल। अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा प्याज। उसके साथ में ही हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने छोटा प्याज लिया है तो हमें बड़ा वाला 1 टमाटर लेना है। और हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक टमाटर है वो अच्छे से गल नहीं जाए तब तक। गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम टू लो ऐसे ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हुआ है और टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को हमें अच्छे से 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो गैस पर अच्छे से हमें भून के लेना है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन का कलर है वो चेंज हो गया है। 1/2 चम्मच डालेंगे मालवनी मसाला, जो आप घर पे यूज़ करते हो वो मसाला आप डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हम डालेंगे चिकन मसाला, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और उससे कम हम डालेंगे जीरा पाउडर। और सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लेना है। गैस को हमें स्लो पे ही रखना है। चिकन अच्छे से पक गया है, अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस और इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और नमक, इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। तवा चिकन बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।